वहीं ऊना के विधायक और कुटलैड विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी सतपाल सत्ती ने कुटलैड में बीजेपी मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा और 6 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। इसी कड़ी में ऊना के कुटलैड विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव हो रहा है और बीजेपी हाईकमान द्वारा मुझे कुटलैड विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी और संजीव कटवाल को सह प्रभारी बनाकर भेजा गया है और हमें जो जिम्मेदारी दी गई है इसे हम पूरी निष्ठा से पूरा करेंगे। वहीं हमारे कार्यकर्ता चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। सर, आज पहली बार आप कुटलैड विधानसभा क्षेत्र बतौर प्रभारी बनकर चुनाव उपचुनाव को लेकर आए हैं, क्या संदेश देंगे सर कार्यकर्ता को? हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 4 लोकसभा के और 6 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र भी ऐसा है जहां पर विधायक का चुनाव भी अभी उपचुनाव के रूप में चल रहा है। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की हाईकमांड ने मुझे और संजीव पटवाल जी को जहां प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में जिम्मेवारी दी है और हमारे अन्य कार्यकर्ता तो ऑलरेडी जहाँ पर काम में लगे हुए हैं, पूरा मंडल लगा हुआ है, सभी तमाम कार्यकर्ता काम में लगे हैं और जो हमारे प्रत्याशी हैं वो भी गांव गांव में जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं भी हो रही हैं। उसी कड़ी में आगे क्या क्या काम पार्टी के आने वाले हैं, किस तरह से पार्टी के कैंपेन को चलाना है, उससे संबंधित आज मंडल की मीटिंग जहां पर बुलाई गई है, आज आने वाले समय की योजना बनाई जाएगी और उसी कड़ी में हम सब लोग इकट्ठे आए हैं कि सब कार्यकर्ताओं की सलाह मशवरा करके, मंडल से सलाह मशवरा करके हम लोग यहाँ आगे की योजना बनाएंगे और उसी हिसाब से पूरा कैंपेन MLA का जहाँ पर चलेगा उसके साथ साथ MP का चुनाव भी आ रहा है। सब दोनों चुनाव इकट्ठे हैं और MP में भी ज़्यादा से ज़्यादा लीड मिले। पिछली बार भी जहाँ हमें 29,000 वोटों की लीड मिली थी MP के चुनाव में और यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड MP को मिले। उसके साथ साथ जो हमारा विधायक उपचुनाव है, ये सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलने का चुनाव है कि सरकार कांग्रेस की बदलनी है। जिस सरकार से सब लोग परेशान थे उस सरकार को किनारे करके भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनानी है। तो तमाम कार्यकर्ताओं के ध्यान में ये आना चाहिए कि ये जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं ये सिर्फ MLO के चुनाव नहीं है, ये सरकार बनाने के चुनाव हैं। 6 चुनाव हम लोग जीतेंगे तो जून महीने में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पर होगी। तो ये कार्यकर्ताओं के मन में ध्यान में रख करके सबको काम करना पड़ेगा ताकि अपनी गवर्नमेंट आए, मोदी जी से जैसा तालमेल पहले जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट में चल रहा था वैसा तालमेल पूरे हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट बनने के बाद फिर से हो, ताकि विकास भी आगे बढ़े और विश्वास भी आगे बढ़े और उसके साथ साथ ईमानदार गवर्नमेंट चले, भ्रष्टाचार को समाप्त करें और प्रदेश के अंदर जो हर क्षेत्र में राजनीतिक जिसको कहते दुर्भावना से काम हो रहा था, चल रहा था और आज भी चल रहा है, उस राजनीतिक दुर्भावना को रोक करके हिमाचल की संस्कृति के अनुसार की गवर्नमेंट जैसे पहले चलती रही है उसी तरह की गवर्नमेंट यहाँ पर बनाएंगे और हिमाचल प्रदेश को फिर से विकास की राह के ऊपर चलाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि BJP के कार्यकर्ता सब मिल करके हर विधानसभा में उन 6 के 6 कैंडिडेट्स को जिताकर